हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। माय नेम इज कुणाल लुनारे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। होप करता हूँ आप सभी को मेरे लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा, आप सभी इंटरेस्ट ले रहे होंगे। ठीक, तो जी जो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही ईजी चैप्टर है, राइट। बस ये जो पॉइंट्स है इसके बेसिस में हम पूरा कर लेंगे। अब जी मेन तो पर्पस पहले ये समझना है कि चैप्टर में करना क्या है। अब जी अकाउंटिंग ना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस ना दो तरीके की अकाउंटिंग करता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है या फिर एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। एक्यूरल वाला ये जो है, ये मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बता दिया था कि एक्यूरल बेसिस में होता क्या है। वापस अभी बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि समझ में आ जाए। ठीक, तो जी चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो टाइप की अकाउंटिंग एक कोई भी बिजनेस करता है। बिजनेस के पास चॉइस रहता है कि वो कैश बेसिस करे या फिर एक्यूरल बेसिस, वो एक बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और आपको और एक चीज बता दूं कि जो जो एक्यूरल बेसिस है वो 97% ऑफ द पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस है वो एक्यूरल बेसिस फॉलो करते हैं। कैश बेसिस बहुत ही कम फॉलो करते हैं बिजनेस। ठीक, तो जी अब मैं आपसे और एक बार क्वेश्चन पूछूं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है। तो अकाउंटिंग दो टाइप की होती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, तो जी पहले जानते हैं कैश बेसिस क्या होता है, एक्यूरल बेसिस। अभी इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगा। स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम आराम से बोलूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो जी देखिए, ठीक तो देखिए यहाँ पर जो स्टोरी है ऑन 4th अप्रैल 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, ये स्टोरी कब की है, 4th अप्रैल 2018 की है। तो जी स्टोरी को ध्यान से सुनिए। ऑन 4th अप्रैल 2018 मतलब 4 अप्रैल 2018 को हमारा बिजनेस जो है वो एक पर्सन, एक व्यक्ति है श्याम, उसको हमारे बिजनेस ने कुछ सामान उधारी में दिया। मतलब हमारे बिजनेस ने इस व्यक्ति को कुछ सामान उधारी में दिया, क्रेडिट में दिया। ठीक, अब जी जैसी हमारे बिजनेस से सामान दिया, तो जी ये जो श्याम है, ये श्याम कहता है हमारे बिजनेस को कि भाई ये जो सामान मैंने आपसे खरीदा है, श्याम हमें कहता है कि जी आपके बिजनेस से जो मैंने सामान खरीदा है इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको अगले महीने मतलब 4 मई 2018 को कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब और एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। 4 अप्रैल की बात है 2018 को हमारे बिजनेस ने एक व्यक्ति को कुछ सामान उधारी में दिया। तो ये व्यक्ति ने हमारे बिजनेस को कहा कि जो सामान मैंने आपसे खरीदा है इसकी पेमेंट मैं आपको अगले महीने 4 मई 2018 को कर दूंगा। ठीक, और एक बार समझ में आ गई। अब जी अब ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो जी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अकाउंटेंट को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, तो जी जब भी कोई भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है सो इस एग्जाम्पल में उसके दिमाग में दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिया है इसमें जो भी ट्रांसैक्शन हुई है इस ट्रांसैक्शन को मैं 4th मई मतलब इस दिन रिकॉर्ड करूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर जिस दिन ये श्याम हमें पेमेंट देगा उस दिन रिकॉर्ड करूं। ठीक, तो जी जब भी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो उसको दो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई जिस दिन ये ट्रांसैक्शन हुई है मतलब 4th मई 2018 को जिस दिन ये ट्रांसैक्शन हुई है हम उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से रिकॉर्ड करें या फिर जब ये श्याम हमें पेमेंट कर देगा कि हम उस दिन रिकॉर्ड करें। ठीक, तो जी ये बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो जी हमारी अकाउंटेंसी ने एक सॉल्यूशन निकाला इसका। हमारी अकाउंटेंसी ने कहा कि भाई ठीक है इसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारी अकाउंटेंसी ने कहा कि पूरे अकाउंटेंट को कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, ठीक, तो जी अगर आपका बिजनेस एक्यूरल सिस्टम फॉलो करता है, अगर आपका बिजनेस एक्यूरल सिस्टम फॉलो करता है तो जी आप 4th अप्रैल 2018 को ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। हमारी अकाउंटेंसी कहता है कि भाई ये दो क्वेश्चन तो आ गया, ठीक, कि हम 4 मई जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उस दिन रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन रिकॉर्ड करें। ठीक, तो हमारी अकाउंटेंसी ने कहा कि भाई जो भी बिजनेस एक्यूरल सिस्टम फॉलो करता है वो क्या करेगा, 4th मई 2018 को ही रिकॉर्ड कर देगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन हो गई है। ठीक है, और जी हमारी अकाउंटेंसी ने कहा कि जो बिजनेस कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है
वो 4 मई 2018 को रिकॉर्ड करेगा जिस दिन उसकी पेमेंट हो जाएगी उस ट्रांजेक्शन की। मतलब इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम एक्यूरल बेसिस में 4 मई 2018 को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी बिजनेस एक्यूरल सिस्टम फॉलो करता है। जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन हम रिकॉर्ड कर देंगे। बट जी जो कैश सिस्टम है उसमें जिस दिन हमें पेमेंट मिली है उस ट्रांजेक्शन की, हम उस दिन 4 मई 2018 को उसे रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हमारी अकाउंटेंसी ये सॉल्यूशन निकाला। ठीक, तो समझ में आ गया एक्यूरल सिस्टम क्या होता है। एक्यूरल सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आप जी उसी दिन उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं एक्यूरल सिस्टम में। और कैश सिस्टम में जिस दिन कोई भी ट्रांजैक्शन की पेमेंट हो जाती है उस दिन हम कैश सिस्टम में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया बेसिक फंडा। अब जी चलिए, अब जी आगे बढ़ते हैं। वैसे ये मैं आपको चैप्टर 3 जो पिछला चैप्टर था उसमें भी आपको बता चुका है एक्यूरल बेसिस के बारे में। तो जी यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिया है कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस। ठीक, तो जी फटाक से डिस्कस करते हैं। अब जी जो कैश बेसिस, जो भी बिजनेस कैश बेसिस फॉलो करता है ना, तो जी वो क्या करता है, सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड कर सकता है और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट जी जो बिजनेस एक्यूरल बेसिस फॉलो करता है वो क्या कर सकता है, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब उधारी का भी सामान वो क्या कर सकता है, एक्यूरल सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकता है। कैश और क्रेडिट दोनों को वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक, बट जी कैश बेसिस में क्या है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगी। बट एक्यूरल बेसिस में कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होगी। इसलिए मैं कहता हूँ एक्यूरल बेसिस अराउंड 97% ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक्यूरल बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जी अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो कैश बेसिस है वो है लेस रिलायबल। अब जी रिलायबल का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है अच्छा या फिर भरोसेदार। तो जी ये जो कैश बेसिस है वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कैश बेसिस उतना अच्छा नहीं है, लेस रिलायबल है। बट जी जो एक्यूरल बेसिस है वो मोर रिलायबल है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है एक्यूरल बेसिस, इसलिए मोर रिलायबल है देन कैश बेसिस। ठीक है, तो कैश बेसिस इज लेस रिलायबल, एक्यूरल बेसिस इज मोर रिलायबल। अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एसेंटेड। ठीक, अब जी इसका मतलब क्या होता है, अब जी जो प्रॉफिट और लॉस है कैश बेसिस में प्रॉपर नहीं निकलता है, एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता, नहीं निकाल, मतलब नहीं जान पाते हैं ना कैश बेसिस में अगर फॉलो करते हैं तो। ठीक, और जी जब एक्यूरल बेसिस फॉलो करते हैं तो जी हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस एकदम एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत एक्यूरेट निकाल सकते हैं। बट जी कैश बेसिस में आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। एसेंटेड मतलब होता है जानना या फिर आप कह सकते हैं फाइंड करना। तो जी प्रॉफिट और लॉस कैश बेसिस में अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते, बट जी एक्यूरल बेसिस में हम लोग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं और एकदम एक्यूरेट आंसर में। राइट, अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास नो रिकॉग्निशन बाय कंपनी एक्ट 2018। जी मतलब कैश बेसिस को मान्यता, जी आपको सभी को बताऊं कि कंपनी एक्ट 2013 में एक एक्ट आया था, कंपनी एक्ट 2013। ठीक, तो जी इस एक्ट में जो कैश बेसिस है इसको कोई मान्यता नहीं मिली। बट जी जो एक्यूरल बेसिस है इसको जो कंपनी एक्ट 2013 में आया उससे इसको बहुत मान्यता मिल गई है। ठीक है, इसलिए एक्यूरल बेसिस बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे कंपनी एक्ट 2013 से मान्यता मिल चुकी है एक्यूरल बेसिस को। बट जी कैश बेसिस को ऐसा कुछ मिला नहीं है कंपनी एक्ट की ओर से मान्यता। ठीक, तो जी अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कैश बेसिस में आप कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बट जी एक्यूरल बेसिस में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। मतलब आप एक्यूरल बेसिस अगर फॉलो करोगे तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट कैश बेसिस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जी आप ओवरऑल व्यू देखोगे तो जी कैश बेसिस में बहुत घाटा ही घाटा है। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेस रिलायबल है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट नहीं निकलता, कंपनी एक्ट से कोई मान्यता नहीं है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो पूरा घाटा ही घाटा है। बट जी एक्यूरल बेसिस में पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इसलिए जी मैं कहता हूँ 97% ऑफ द पीपल जो है बिजनेस में वो एक्यूरल बेसिस ही फॉलो करते हैं, कैश बेसिस बहुत कम फॉलो करते हैं। राइट, तो जी यही है आज के चैप्टर में। और इसके अलावा और
इसके ऊपर और कुछ भी मत करना, बस चैप्टर 4 में इतनी ही बात है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, बस इतनी ही बात निकल के आई, ठीक है। तो इसको मैंने एकदम समराइज वे में आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आप सभी से मिलता हूँ जी नेक्स्ट लेक्चर में। और एक चीज बता दूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब मैंने आपको बता दिया है चैप्टर 2 में, ठीक। तो जी अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चैप्टर में आपके आपको बताते जाऊँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नहीं तो वीडियोस तो बहुत ही लंदी हो जाएगी, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो चैप्टर 2 भी है, आप वहां पर जाइए देख लीजिए, फ्री है, पूरा लेक्चर दिया है मैंने उसमें भी, ठीक है। तो जी इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इससे अगर इस ये लेक्चर अच्छी हो लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, राइट। तो जी इसलिए मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इंजॉय, बाय, टेक केयर एंड चीयर्स।